आज कक्षा नौवीं के बच्चे जो हमारा दूसरा चैप्टर है उसमें है क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है। इसका कहने का मतलब है जो हमारे काले रंग की जो स्याही है स्केच पेन वगैरह में जो होती है क्या वो किस एक ही रंग है। नहीं, हम इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। जो ब्लैक कलर है जो काली स्याही है वो कई रंगों का मिश्रण है। उसको हम कैसे देखेंगे आप एक प्रयोग के द्वारा देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे एक छन्ना कागज लेंगे, उसके बाद हम इस पे क्या करेंगे एक पेंसिल के साथ एक लाइन लगाएंगे। जो ये हमने पहले करके देख रखा है इस तरीके से हमने ये पहले अभी किया था नीले रंग का जो स्केच था। तो देखेंगे आप कि धीरे धीरे कुछ जो कलर है वो ऊपर की तरफ है और कुछ नीचे की तरफ रह गए हैं। इससे क्या है कि ये किसी एक रंग का मिश्रण नहीं है। अब हम दूसरा प्रयोग यही सेम इसी तरीके से दोहराएंगे। हमारे इसके क्या क्या चरण रहेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे छन्ना कागज लेंगे, इसको एक पट्टी की तरह से हम काट लेंगे। फिर देखेंगे आप बच्चे थोड़ा सा एक इंच ऊपर इसमें हम क्या करेंगे एक सेंटीमीटर ऊपर कह लो या एक इंच ऊपर हम क्या करेंगे पेंसिल से निशान लगा लेंगे और इसके बीच में हम स्केच पेन के साथ क्या करेंगे यहाँ पर निशान लगाएंगे। क्या करेंगे निशान लगाएंगे। स्केच कलर का रंग कैसा है काला। ब्लैक कलर है काला रंग है और हमने ये निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे बिकर में थोड़ा सा पानी डालेंगे। क्यों डालेंगे क्योंकि जो छन्ना कागज है थोड़ा पानी डालेंगे ज्यादा नहीं डालेंगे। जो छन्ना कागज है इसकी क्या खासियत होती है ये पानी को अवशोषित कर लेता है। फिर ये धीरे धीरे ऊपर तक जाएगा तो ये जो स्याही है जिन जिन घटकों से ये बनी हुई है वो घटक अलग अलग हो जाएंगे, कुछ नीचे रह जाएंगे और कुछ ऊपर तक चले जाएंगे। तो हमने क्या करना है इसको लाइन से नीचे हमने पानी इतना डालना है कि सिर्फ नीचे से थोड़ा सा हिस्सा इसका फिल्टर पेपर जो है इसका डूबना चाहिए, ज्यादा नहीं डूबना चाहिए ताकि एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे ऊपर चढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार से हम इसको इसके अंदर रखेंगे बीकर के अंदर। बीकर थोड़ा सा हमारा भीगा है ये हमने रख दिया, थोड़ा सा हिस्सा इसका डूब रहा है, दिख रहा है बेटा। अब हम इसको क्या करेंगे ये इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर हम इसके ऊपर कुछ रख भी सकते हैं ताकि ये हिले नहीं। तो अभी हमने ये करके छोड़ दिया है, ये अभी हमने नीले रंग से पहले करके देख लिया है और अब इसका पूरे सारे के सारे जो चरण हैं कैसे कैसे हमने करना है वो स्टेप इसमें हमने लिए हैं। और अब आप देखेंगे पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है हमारे फिल्टर पेपर ने, इसको हम छन्ना कागज भी कहते हैं। ये जो स्याही हमने ली है ये पानी के अंदर घुलनशील है। जैसे ही ये पानी छन्ने कागज के द्वारा ऊपर चढ़ेगा तो ये जो स्याही की बूंद हमने लगाई है ये पानी के साथ घुल जाएगी और जिन जिन घटकों से मिलकर ये बनी हुई है उन घटकों में ये अलग हो जाएगी। जैसे आप इसमें देखेंगे ऐसे ही जो इसको अब हम इसको क्या करेंगे शांत रख देंगे, बार बार हम इसको हिलाएंगे नहीं। और इस तरीके से जैसे ये इसमें हुआ है अभी थोड़ी देर पहले किया था शाही के जो कलर हैं ये देखो यहाँ तक आ चुके हैं, दिख रहे हैं ना। और कुछ जो गाढ़े रंग है वो यहीं तक रह गए हैं। ये कलर थोड़ा सा फिरोजी सा कलर है, डार्क कलर नहीं है, ठीक है ना। देखो ये दिख रहा होगा ना बेटा। तो इस प्रकार से ये जो स्याही है ये क्या है मिश्रण है, कई रंगों से मिलकर बनाई गई है अलग अलग अनुपात में। कुछ कलर होते हैं हमारे प्राइमरी कलर और कुछ कलर होते हैं जिनको हम मिला करके एक दूसरे के साथ दूसरे कलर भी बना सकते हैं। इस प्रकार हम एक मिश्रण में से कलरों को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं बेटा क्रोमेटोग्राफी। ये जो हमारा चित्र भी दिया गया है और इसके अंदर ये सब कुछ बता भी दिया गया है, इस प्रक्रिया को पूरे को हम क्या कहेंगे क्रोमेटोग्राफी। इसके द्वारा काली स्याही जो विद्यमान है उसमें हमने ये रख दिया है, ये धीरे धीरे हो जाएगा। तो इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा इसका हम रिजल्ट देखेंगे। बीच में पॉज कर देना बेटा, आगे इसको ऐड कर लेंगे, ठीक। अब हमने देखा ये जो काली स्याही का जो हमने निशान लगाया था, अब आप देखेंगे इसमें कुछ हिस्सा रेड भी दिख रहा है
और कुछ इसमें ब्लैक भी दिख रहा है, कुछ ब्लू भी दिख रहा है, कई कलर दिख रहे हैं। मीनू देख रहे बेटा, नीले वाले में तो कम दिखे थे और इसमें देखो आप कितने हिस्सों में ये बटी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे कलर हैं, जो ब्लैक कलर है वो किसी एक कलर से नहीं बना हुआ, कई रंगों का मिश्रण है और प्रत्येक जो रंग है उसकी जो अवशोषण क्षमता है वो भी अलग अलग है। सब पानी के अंदर घुलनशील है, धीरे धीरे ये छन्ना कागज है इसके ऊपर ये अंदर ऊपर चढ़ रहे हैं। जैसे सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रयोग से, क्रोमेटोग्राफी प्रयोग से सिद्ध हुआ कि जो ब्लैक कलर है, जो ब्लैक शाही है, जो हमारा ये यहाँ पे हमने लिया था, कई रंगों का मिश्रण है। तो मैं समझती हूँ आप सबको ये समझ में आ गया होगा, ये था हमारा प्रयोग क्रोमेटोग्राफी, यानी जो रंग है वो, जो ब्लैक कलर है, जो शाही है वो कई रंगों का मिश्रण है, जो नीली है वो भी कई रंगों का मिश्रण है, और ये तो अभी चढ़ नहीं लग रही है, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी का ये खत्म हुआ बेटा यहाँ पे, मैं समझती हूँ आपको समझ आ गया।